असी जी अपने कहे अनुसार श्री चमकौर साहिब तो शुरू की सी यात्रा, जिमें दसवें पातशाह ताड़ी मार के चले सी, आपां भी उस स्थान तो चले सी। अज आपां पहुंचे हाँ जी तख्त श्री दमदमा साहिब सबो की तलवंडी विखे जी। साडे चैनल ते जाके पिछली वीडियोज़ भी जरूर देखियो जी, साडा साथ दिओ, लाइक शेयर भी जरूर करिया करो जी। अज आपां दर्शन करांगे तख्त श्री दमदमा साहिब सबो की तलवंडी बठिंडा विखे जी। ये जी बाबा दल सिंह जी की समाध बनी हुई है। आओ हुण आपां इन्हां दे घर वल भी चलते हैं, इन्हां दे घर दे दर्शन करते हैं जी। आओ चलिए जी। ये जांदा जी रस्ता बाबा दल सिंह जी निवास वालों जी, तकरीबन 600 मीटर दूर ते है जी। आ जाओ जी, चलते हैं। बाबा दल सिंह जी के नाम से पार्क का निर्माण किया गया है जी। बहुत खुली अती सोहनी पार्क बनी हुई है जी। बच्चे शाम को खेडते हैं, पूरी रौनक लगती है इस जगह के उत्ते जी। बहुत सोहनी पार्क बनी है, बूटे वगैरह लगे हुए हैं, जानी रुख सानू वध तो वध लाने चाहिए ने जी, ये बहुत जरूरी है जी। बहुत सोहनी पार्क बनी हुई है जी। ये जो आप बाबा दल जी के घर में जाने ना, बाबा दल सिंह जी के घर उदो रस्ते दे विच आउंदी है जी ये पार्क। ये आप भाई दला सिंह जी के जो घर वालों जाने ना, तो रास्ते दे विच गुरद्वारा भाई साहब सिंह जी जो पंज प्यारियां दे विचों सन जी, उन्हां दे नाम दे उत्ते स्थान बनया होया जी। ये भी दर्शन जरूर करियो जी। ये निशान साहिब झूलदा होया जी, उपर आ दरबार साहब जी। आ जाओ चलते हैं आप दरबार साहिब वालों भी जी, दर्शन करते हैं धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे जी। ये बनया हुआ दरबार साहिब जी। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जी सुखासन स्थान है जी। हुण आपां पहुँच गए हैं जी बाबा दल सिंह जी के निवास स्थान पर जी, उन्हां दा घर बनया होया। सत्कारयोग संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र शस्त्र बस्त्र के दर्शन करन दा समां सवेरे 7 बजे तो 12 बजे तक, 2 बजे तो 5 बजे तक ते है जी। ये ना बाबा दल्ला जी का घर आ, ये गुरद्वारा साहब नहीं है, बाबा दल्ला जी का घर आ जी। जड़े अमृत छक के डल्ले तो भाई दल्ला सिंह बने सीगे जी परिवार समेत, ये उन्होंने घर आ जी। दर्शन आप कर लेने जी, आप चलते हैं हूँ इस जगह के उत्ते ना, दसवें पातशाह के वस्त्र पाए ने जी, उन्होंने दर्शन कराते हैं। जानी फोटो लेना तो वीडियो बना अलाउड नहीं जी, वो मना करते हैं। जानी वस्त्र पाए ने दसवें पातशाह के इस स्थान के उत्ते जी, उन्हें दर्शन कराए ने जी, दर्शन असी कर लेने। चलते हैं हूँ आप दोबारा गुरद्वारा साहब वालों जी। गुरुद्वारा साहिब बाबा बीर सिंह जी और बाबा धीर सिंह जी। सात संगत जी, एक दिन गुरु जी के भरे दरबार में भाई उदय सिंह लाहौर निवासी बंदूक लैके हाजिर होए। तुसी इतिहास पढ़ सकते हो जी स्क्रीनशॉट लैके। पातशाह ने इस जगह के उत्ते बह के ना बंदूक नूं परखिया सीगा जी। ये स्थान आ जी, इस जगह पर जी अमृत संचार भी कराया जाता है जी। आज आप चलते हाँ अंदर दरबार साहब के दर्शन करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के जी। आओ चलते हैं जी।
आओ जी हुण आपां दर्शन करदे हां गुरुद्वारा लिखण सर साहिब दे जी। ये उही स्थान है जी जिथे दसवीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने कसियां हुई कलमा बची हुई सियाही अते कागज़ नूं जल प्रवाह किया सी जी इस सरोवर साहिब दे विच जी। आओ जी सरोवर साहिब दे दर्शन करदे हां। ये है जी सरोवर साहिब। पातशाह ने बचन किए सीगे दसवें पातशाह ने भी जिहड़ा इंसान इस जगह पर गुरमुखी की पैंती लिखूगा जी उहदी ज्ञान दे विच वाधा होगा जी। ये सोहना उच्चा निशान साहिब झूलदा होया जी। ये जी इस जगह दे उत्ते श्रद्धालु संगत जी पैंती लिखदी हुई जी गुरमुखी दे पैंती अक्षर जी लिखदे हुए जी सप्रीत भी लग्या होया जी लिखण गुरमुखी दे पैंती अक्षर लिखने सी पातशाह कहिंदे भी जिहड़ा लिखूगा उहदे ज्ञान दे विच वाधा होगा जी। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਤਲੰਗ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਉਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ।
इस स्थान उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपना घोड़ा बन्नया सी। इत्थे एक जन दा रुख हुंदा सी जी, ये जी सोना उच्चा निशान साहिब झूलदा होया जी उस स्थान ते, जिस स्थान ते मेरे पातशाह ने जन दे रुख दे नाल अपना घोड़ा बन्नया सी जी। आओ दरबार साहिब दे अंदर चलदे हां जी। दा हुकमनामा साहिब, आओ चलिए जी दरबार साहिब दे अंदर नू जी। दर्शन आपां कर ले जी। ये जी गुरुद्वारा साहिब दे विच सरोवर बनया होया, इत्थे आपां अपने तन दा इशनान कर सकदे हां जी। ये आओ पवित्र जंड दा दरख्त जिस नाल पातशाह ने घोड़ा बन्नया सी जी। आपां सब ने मिल के तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी विखे दे दर्शन कर लेने जी। अगली वीडियो दे विच आपां मिलांगे नवें स्थान ते जिसका नाम है खिदराणे दी ढाब मुक्तसर साहिब विखे जी। वीडियो किवें लगी कमेंट करके जरूर दस्यो, वीडियो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, बैल आइकन दबना ना भूलो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।